आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित, ट्विटर पर कोरोना की चपेट में आने की दी जानकारी, कल देहरादून में की थी रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा, कल बिजली से जुड़े 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम। अयोध्या में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का आगाज, अखिलेश यादव का 2 दिन का अयोध्या दौरा, 8-9 जनवरी को अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव। विधानसभा चुनावों पर कोरोना का फिर से छाया साया, चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों को लिखा पत्र। तीसरी लहर में घर पर संक्रमितों की निगरानी बन सकती है चुनौती, दूसरी लहर से 3-4 गुना से ज्यादा हो सकते हैं केस। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल अलीगढ़ दौरा है। सीएम कासिमपुर पावर हाउस के नवाब सिंह चौहान ग्रामोद्वार इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे। वहां कासिमपुर में बिजली से जुड़ी 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ 255 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं तैयारियों को परखने के बाद एसएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई व्यवधान अथवा अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा को चाक चौबंद प्रबंध किए जाएं। और डीएम कासिमपुर पावर हाउस भी और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना और 9 पारेषण उपकेंद्र का लोकार्पण भी होगा। कार्यक्रमों के लिए जो फोर्स है वो जनपद रेंज लेवल का फोर्स यहां पे लगा है और जो समस्त तैयारियां हैं सुरक्षा के दृष्टिगत उसकी तैयारी कर ली गई है, ब्रीफिंग भी कर ली गई। सर जैसे अब जो जैसे कोरोना बढ़ रहा है सर, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि जो सैलाब आएगा सर जनता को, उसके लिए क्या व्यवस्था है? जो भी गाइडलाइंस है वो संबंधित विभाग भी यहाँ पर मौजूद है, वो अपना अलग से ब्रीफिंग कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जाए। अच्छा सर, बाहर से भी कुछ फोर्सेस को रेंज लेवल का फोर्स यहाँ पे लगाया गया है और उसी के अनुसार जो है, और अपने अभिसूचना के लोग भी यहाँ पर हैं, सभी अपना फायर सर्विस का ड्रिल है, ट्रैफिक के। तो सीएम योगी अलीगढ़ को कल बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना और 9 पारेषण उपकेंद्रों का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, प्रदेश में कई परियोजना लाई जा रही हैं और अब ये बड़ी सौगात अलीगढ़ को भी देने वाले हैं। वहीं खबर मैनपुरी से है, जहां कैबिनेट आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने श्रम आयोजना का शुभारंभ करते हुए 82,000 मजदूरों को योजना का लाभ दिया। आपको बता दें कि नवनिर्मित श्रमिकों को 500 प्रति माह की दर से 21 दिसंबर से मानदेय 22 तक की धनराशि 2 किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रति किश्त 1,000 की दर से असंगठित सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जनपद के 6,56,523 श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता एवं भवन निर्माण के अंतर्गत आने वाले 25,598 श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से रुपए डाले गए हैं। वहीं आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ईमानदारी से जनमानस की सेवा की, गरीब को समर्पित सरकार द्वारा बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया गया है, सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो खेतीबाड़ी में काम करते हैं, सड़क का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र के मजदूर हैं, ऐसे मजदूरों को पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 4 करोड़ लगभग, और हमारे ज़िले के अंदर 82,000 से भी ज़्यादा, और 25,000 भवन निर्माण के काम। श्रम योजना का लाभ मिला है। आपको बता दें कि मैनपुरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कैबिनेट मंत्री ने श्रम योजना का शुभारंभ किया।
अब खबर मथुरा से है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिला पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के सम्मेलन की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई। जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह और जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को किया गया। खबर संभल के चंदौसी से है, जहां पर निजी चिकित्सकों ने एक दिन पर पर्चा वैध किया है, जिससे लोगों को काफी रोष है। इस बात पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभल अजय कुमार सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि पर्चा कम से कम 7 दिन का मान्य होना चाहिए, क्योंकि मरीज एक दिन दवा लेने के बाद फिर से दिखाने तो आएगा ही, इसलिए डॉक्टरों को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि IMA की मीटिंग में ये बात रखूंगा, डॉक्टरों से वार्ता करूंगा कि एक दिन का पर्चा बनाना गलत है, कम से कम 7 दिन का पर्चा होना चाहिए। आपने संज्ञान में बात मेरे लगाई है, तो IMA के साथ मेरी शीघ्र ही बैठक होने वाली है, उसमें जो है कहते हैं मैं इस प्रस्ताव को रखूंगा कि इस तरीके से अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो गलत है, और जिन व्यक्ति विशेष के बारे में आपने मुझे बताया उनसे उम्मीद है कि कहते हैं जो है मैं आज ही जो है जा करके संपर्क करता हूँ कि ये चीज़ जो है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए नियम तो जो है कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, उन्होंने अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से अपना बना रखा है, कोई 500 फीस लेता है, कोई 1000 फीस लेता है, और बहुत से लोग जो है कहते हैं फीस छोड़ भी देते हैं, अब किस मरीज से लेते हैं किससे छोड़ते हैं ये सब उनके विवेक पे है, लेकिन चिकित्सक जो है कहते हैं थोड़ी चिकित्सक। वहीं अब खबर फतेहपुर के विक्रमपुर से है, जहां भारी मात्रा में बन रही नकली शराब का बिंदगी पुलिस और SOG टीम ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बिंदगी नगर के ललौली चौराहे और की ओर चल रही चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार से निकलने की सूचना पर कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया था, जिस पर बिंद की पुलिस, कल्याणपुर पुलिस, SOG टीम के साथ साथ आबकारी टीम मई फोर्स के साथ संयुक्त टीम बनकर घेराबंदी करने पर थाना बिंदगी क्षेत्र के महराहा चौराहे पर कार सेलेरियो में सवार 4 व्यक्तियों को 260 लीटर अपमिश्रित जहरीली शराब के साथ 7500 रैपर मस्तीहू ब्रांड 50 लीटर के 80 जरीकेन एथाइल 260 लीटर अपमिश्रित जहरीली शराब एक देशी तमंचा जिंदा 12 बोर कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के शराब तस्करों द्वारा जो अपनी तैयारी की जा रही थी कि अवैध और अपमिश्रित शराब का बेच करके पैसा कमाएंगे, उनके मंसूबे को फतेहपुर पुलिस ने ध्वस्त किया है। आज 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं जो कि अंतर जनपदीय गिरोह के हैं, इसमें बादा और फतेहपुर के अभियुक्त हैं, कुछ वांटेड अभियुक्त भी किए गए हैं जो कानपुर से संबंधित। तो नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है फतेहपुर से, ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, आपको बता दें कि घेराबंदी करके इन अपराधियों को पकड़ा गया है जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बिंदगी नगर के ललौली चौराहे और चल रही चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार के निकलने की सूचना पर कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया, जिस पर बिंदगी पुलिस, कल्याणपुर पुलिस, SOG टीम के साथ साथ आबकारी टीम ने संयुक्त टीम बनाकर घेराबंदी करके इन आरोपियों को पकड़ा। हरदोई में अतरौली माल मार्ग पर आवारा पशु की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल मदन कुमार रामपाल महाविद्यालय बहेरिया कॉलेज में काम से वापस आ रहा था, इस दौरान पावर हाउस के पास सांड की टक्कर से मदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना दी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य के भरावन में युवक का इलाज कराया जा रहा है। तो मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंची, पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पशु की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हरदोई का ये मामला है जहां पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है और पशु से टकराकर, एक सांड से टकराकर ये चोट लगी व्यक्ति को
हरदोई में अतरौली माल मार्ग पर आवारा पशु की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मदन कुमार रामपाल नाम है इस युवक का, जो कि महाविद्यालय बहेरिया कॉलेज के काम से वापस आ रहा था और इस दौरान पावर हाउस के पास सांड की टक्कर से मदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। आवारा पशु की वजह से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, तस्वीरें देख सकते हैं आप, लहूलुहान हो गया है व्यक्ति। और इस खबर पर हमारे संवाददाता वीरेन जुड़ चुके हैं हरदोई से। वीरेन, आवारा पशुओं का जो ये आतंक देखने को मिल रहा है, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? मैम, लगातार देखा जा सकता कि आवारा पशुओं से कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं होती नजर आती है। हाल ही में हरदोई में ये आपका ट्रॉली रोड पड़ता है, वहाँ पे पावर हाउस के पास आवारा पशुओं में भिड़ंत हो रही थी। अचानक उधर से राजीव मोटरसाइकिल से गुजर रहा था तो उधर आवारा पशुओं की टक्कर से उसकी वहीं पे मृत्यु भी हो गई, मतलब मृत्यु हालत में हो गया था, अस्पताल लेते रहते, उसकी मृत्यु हो गई थी मैडम जी। तो अब कैसी हालत है व्यक्ति की? मैम, व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है मैम, सीएससी ले जाने के बाद उसको ले जाएगा, सीएससी ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी मैम जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वीरेन जुड़े थे। बांदा में ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ शहर स्थित काशीराम कॉलोनी पर छापेमारी की। इस दौरान कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। छापेमारी में मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है और साथ में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने लोगों को आगाह किया कि किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल लोगों को अपने बीच में ना रहने दें और अगर इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति रहता है तो उसकी गुप्त सूचना पुलिस को दें। क्योंकि जनपद बांदा में ऑपरेशन क्लीन अपराधियों के सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी अभियान के क्रम में जो संभावित स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर सूचना मिलती है कि वो हैं, उन पर हम लोग दबिश देते हैं और आगे की आवश्यक कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पर इस कॉलोनी में कुछ लोग, जो काशीराम कॉलोनी में कुछ लोग हैं, इस तरह के इलीगल और क्रिमिनल टाइप के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसी सूचना पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग यहाँ पर आए हैं, फोर्स को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर चेकिंग की है और कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और कुछ मात्रा में मादक पदार्थ भी मिले हैं हम लोगों को। उस चीज़ को कैलकुलेट किया जा रहा है कि वो कितना है, कहाँ से आया और फाइनली वो कहाँ कंज्यूम होगा और इस तरह से एक प्रभाव हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गलत तरह के व्यक्ति हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, वो यहाँ न रहें और यदि हैं उनके खिलाफ हम लोग। और हमारे साथ संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं बांदा से। रिजवान, जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्लीन, इसमें कितनी सफलता अभी तक पुलिस को मिल चुकी है? रिजवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा में छापेमारी की लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि जो भी अपराधी किस्म के व्यक्ति लोगों के बीच रह रहे हैं उनके दबिश देकर उन्हें पकड़ा जा सके और गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की जाती है और जिले को अपराधियों से मुक्त कराने की एक मुहिम चलाई जा रही है। छापेमारी करा जा रहा है और छापेमारी के दौरान अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और जब ये छापेमारी हो रही है लगातार हर जगह पे अपराधियों को जब ढूंढने का ये जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन क्लीन, तो उसके बाद दहशत का माहौल अपराधियों में, अफरा तफरी मच गई जब इस तरह की कार्रवाई की गई और प्रशासन ने ये अपील भी की है कि अगर आपके बीच कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल लोग रहते हैं तो उनको अपने बीच में रहने ना दें, अगर इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति रहता है तो उसकी गुप्त सूचना पुलिस को दे। गुप्त सूचना की बात कही है पुलिस ने और ऐसी सूचना देने वाले व्यक्तियों का नाम गुप्त रखा जाता है, जानकारी गुप्त रखी जाती है और सिर्फ अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं बांदा से। रिजवान, अभी तक पुलिस को कितनी सफलता हाथ लगी है? आवाज नहीं आ रही। रिजवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तुम्हारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से।
रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। फतेहपुर के भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत का आयोजन किया। इन सात सूत्रीय मांगों में रोड के नवीनीकरण, पीएम आवास, जमीन पर किए गए अवैध कब्जे जैसे मामलों के निस्तारण की बात रखी गई है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने खंड विकास अधिकारी के उपलब्ध न होने पर एडीओएससी को ज्ञापन सौंपा है। मथुरा जनपद के बलदेव विधानसभा गांव अवैरनी में उप जिलाधिकारी महावन और सीओ महावन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान और गांव की अनेकों समस्याओं को लेकर मीटिंग की गई है। मीटिंग में मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी महावन, सीओ महावन, भाक्यू मंडल अध्यक्ष लेखराज सिंह मौजूद रहे, जिसमें ग्रामीणों के सुझाव के बारे में बताया गया। उप जिलाधिकारी ने देवेंद्र पाल सिंह को बताया कि चुनाव नजदीक है, गांव में बूथ संख्या को ध्यान में रखते हुए लड़ाई झगड़े से बचते हुए बूथ बनाए जाएं और सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए उनका मत कट तो नहीं रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी का मत कट गया है तो उसे बढ़ाने का काम करें। साथ ही सीओ महावन रविकांत पाराशर ने बताया कि चुनावी समय पर लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ग्रामीणों पर पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जिन लोगों के पास हथियार है वो अपने हथियारों को जमा करें और दबंगई से बचें। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।